यूपी राबता कमेटी अलीगढ़ और सैयद हामिद फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में एक संगोष्ठी का आयोजन बख्शीपुर स्थित इस्लामिया इंटर कॉलेज के सभागार में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के पूर्व डीजीपी रिजवान अहमद के अलावा शहर काजी वलीउल्ला, डॉक्टर अजीज अहमद, महमूद सईद सहित अन्य पदाधिकारी और मुस्लिम समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। गोष्ठी में मुस्लिम समाज के शिक्षा और सामाजिक सौहार्द विषय पर विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि मुस्लिम समाज में शिक्षा की अलग जगाने के लिए नई दिल्ली से एक तालीमी कारवां निकाली गई है, जो अनेक शहरों से होते हुए गुरुवार को गोरखपुर पहुंची, जिसके तहत एमएसआई कॉलेज में संगोष्ठी आयोजित किया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम आयोजक महमूद सईद ने बताया। राबता कमेटी और सैयद हामिद फाउंडेशन के तत्वाधान में ये कारवां दिल्ली से चला है और आगरा, बुलंदशहर, मऊ, लार होता हुआ गोरखपुर आया है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि मुसलमानों में जो शैक्षिक पिछड़ापन है उसको दूर किया जाए। आज भी मुसलमानों में माध्यमिक शिक्षा का अगर देख लिया जाए तो वहाँ तक भी कमी है, पढ़ाई में कमी है, हायर एजुकेशन में तो बहुत ज़्यादा कमी है। इस कारवा के माध्यम से हम लोग जागरूक करेंगे कि आप लोग पढ़ाई की तरफ, तालीम की तरफ आएँ, इसलिए कि तालीम से ही सब कुछ मिलना है। आजकल कंपटीशन का दौर है, आप अच्छी तालीम हासिल करेंगे तो उसी हिसाब से आप कंपटीशन में अच्छी पोजीशन ले आएंगे। और तालीम का मामला सिर्फ नौकरी तक नहीं है, अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप अपनी खेती बाड़ी भी करते हैं तो आज के युग में तालीम के बिना कुछ भी कर पाना मुमकिन नहीं है। उसी उद्देश्य के साथ आज के इस कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया है। इस कारवां का नेतृत्व पूर्व DGP श्री रिजवान अहमद साहब कर रहे हैं। कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें? आए हुए हैं ख्वाजा सईद अहमद साहब हैं, अबरार अहमद कासमी साहब हैं, अतहर मदनी साहब हैं, तमाम हजरात आ रहे हैं इसमें।